नमस्कार, मैं पीएन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मेरी पीएन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है 5 अक्टूबर 2021 थर्ड शिफ्ट का एमटीएस का पेपर। तो इसके सारे मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे जिनका टारगेट एमटीएस का एग्ज़ाम है उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उसके अलावा अब हम क्या करने वाले हैं, जो सीएचएसएल 2020 का आपका एग्ज़ाम हुआ है उसके भी जो पेपर है वो भी हम पैरेलल बेसिस पे सॉल्व करेंगे। जैसे एक दिन क्या है, मैं एमटीएस का पेपर सॉल्व कराऊंगा और दूसरे दिन सीएचएसएल का पेपर सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि क्या है, जो बच्चे सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप लोग भी सीएचएसएल में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो दोनों की जो प्रैक्टिस है वो आपकी होती रहेगी। ठीक है, तो अल्टरनेट बेसिस पे जैसे आज मैंने एमटीएस का पेपर कराया तो कल मैं सीएचएसएल का पेपर डिस्कस कराऊंगा। इससे क्या है कि दोनों हम लोग सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद हम लोग सीजीएल के जो पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इंडिया के जो टॉप एजुकेटर हैं वो अन अकेडमी पर पढ़ाते हैं, आपको पता होगा। तो अपने टॉप एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। तो ये 2 तारीख से डिफरेंट बैच आपके स्टार्ट हो रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए, उसके अलावा सीएचएसएल सीजीएल दोनों के लिए। तो आप लोग बैचेस की आप लोग देख पा रहे होंगे इन्फॉर्मेशन, तो इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफ़र चल रहा है इस टाइम पे अन अकेडमी पे, तो ऑफ़र के बारे में आपको बता देता हूँ। ये ऑफ़र आपके लिए 30 और 31 तारीख के लिए, यानी कि आज और कल तक के लिए है, जिसमें आपको 20% का प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको ऑफ मिलेगा। कोड आपको यूज़ करना है PKB10। ठीक है, PKB10 आप यूज़ करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा ऑफ़र आपके लिए चल रहा है, तो जाइए आज ही आप ज्वाइन करिए और यहाँ पे अपने जो टॉप एजुकेटर हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि 8.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु गोले को पिघलाया जाता है और फिर 18.9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी। देखिए, जब भी कोई 3D फिगर से कोई दूसरा 3D फिगर बनाया जाता है तो उनके आयतन बराबर होते हैं, यानी कि गोले से आपका शंकु बनाया गया तो गोले का जो आयतन है वो शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³। तो r की जगह पर क्या है, 8.4 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 πr²h। ठीक है, r²h की वैल्यू कितनी दी है, 18.9। ठीक है, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे इसे अगर हम काटेंगे, देखो r² की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे कितना है, 4 × 8.4 × 8.4 × 8.4। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा, 18.9 आएगा। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हम काट सकते हैं 23 से अगर काटेंगे तो 23 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से काट लेते हैं, 3 से अगर काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 3 × 2 = 6 और 3 = 24। 3 से काटेंगे 3 × 6 = 18 और 3 × 3 = 9। फिर ठीक है, 7 से काट लेंगे, 7 × 6 = 28, 7 × 9 = 63। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर ये कट जाएगा, 3 से 1 बार काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2.4। फिर 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 2.4। जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा आपका, 11.2 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि कोई वस्तु 270 रुपये में बेचकर किसी दुकानदार को 20% का लाभ होता है, यदि उस वस्तु को 210 रुपये में बेचा जाता है तो उसका लाभ या हानि क्या होगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। अब देखो, अगर हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो या तो फ़ायदे में बेचते हैं या नुकसान पे बेचते हैं, तो 270 में जब बेचा जाता है तो 20% का फ़ायदा होता है, यानी कि 120% की जो वैल्यू है वो 270 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 270/120 × कितना हो जाएगा, 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे, 3 × 9 = 27 और 3 × 12। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 900/4, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 से काटेंगे तो 4 × 2 = 8, कितना बचा, 10। फिर 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, यानी कि इसका जो सीपी आया वो कितना आया, 225। तो 225 की चीज़ को अगर हम 210 में बेचेंगे तो कितने का नुकसान हुआ हमें, 15 का नुकसान हुआ। तो 15 का जो नुकसान है वो किस पे हुआ, 225 पे। तो 100 पे कितना होगा, तो 15 × 15 = 52 कितना होता है, 225, 5 से काटेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। तो 20/3 यानी कि 6 × 2/3% हो जाएगा, कितना होगा, 6 × 2/3% की क्या होगी, हानि होगी, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे,
ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, नॉर्मली आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जब 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपका, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 15, 15 पचे 75, 75 दूना कितना हुआ 150, तो 60 में से 150 गया तो माइनस का कितना बचा 90, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 9 3 12 120 हो गया, 120 प्लस 24 कितना हुआ 144, तो 36 बटे 144, तो 36 चक्कू होता है 144 यानी कि 1/4 होगा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका पाई चार्ट का, दिया हुआ है कि पाई चार्ट का अध्ययन करें जो 2019 में कंपनी एक्स वाई जेड के ए बी सी डी और ई उत्पादों के बिक्री वितरण को दर्शाता है और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, बेचे गए यूनिटों की कुल संख्या कितनी है 22,500, टोटल ये एंगल कितना है 360 डिग्री बनता है, तो 360 की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है 22,500, तो आप एक डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 9 से काटेंगे 9 चौक 36 और यहाँ पे काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 पच्चे 45। ठीक है, यानी कि एक जो डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 2 से एक बार काट सकते हैं यानी कि 125 बटे कितना होगा 2 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे कि कंपनी द्वारा बेचे गए सी उत्पादों की यूनिटों की संख्या ए और बी उत्पादों की यूनिटों की कुल संख्या से एक्स अधिक है, तो एक्स का आपको मान निकालना है। तो सी की वैल्यू कितनी है भाई, सी की वैल्यू देख लो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 125/2, तो सी की वैल्यू कितनी है भाई 57.6 है। ठीक है, ए और बी की यूनिट की वैल्यू कितनी है, देखो 18 और 28.8 यानी कि 8 8 16 कितना हुआ 36, 46.8 हुआ, तो 46.8 जब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 में से 8 गया तो कितना बचा 8, 6 से 6 गया तो कितना बचा 0 और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 5 से 4 गया तो कितना बचा 1 यानी कि 10.8। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 125/2 से, क्योंकि एक डिग्री की वैल्यू कितनी हम लोगों ने, अगर इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे 125/2 से, क्योंकि एक डिग्री की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है 125/2, तो आंसर आपका आ जाएगा, देखो 2 से काटेंगे 2 5 10 और यहाँ पे कितना होगा 4, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे 125 से, तो आपका जो आएगा इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 675। ठीक है, तो ये किसके आसपास की वैल्यू है, किस रेंज की वैल्यू है, 670 और 680 के बीच की वैल्यू है, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सिर्फ कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक्स वाई और जेड का औसत जेड से 6 अधिक है, एक्स वाई का औसत 50 है और यू जो है वो जेड से 6 कम है, U और Z का औसत आपको निकालना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, X, Y और Z का औसत यानी कि X प्लस वाई प्लस जेड 3 बराबर कितना है Z प्लस 6 है। ठीक है, तो यहाँ से इसे हम सॉल्व करेंगे बाद में, और X, Y का औसत कितना है 50, तो X और Y का सम जो होगा वो कितना होगा 100 होगा। दिया हुआ है U जो है वो Z से कितना कम है, U जो है वो Z से कितना कम है 6 कम है, यानी कि Z माइनस U की जो वैल्यू है वो कितनी है 6 है। ठीक है, तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे, इसे 3 से इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, ये आपका 3Z प्लस आपका कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 3Z प्लस 18, देखते रहो आप मेरे साथ, X प्लस Y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे X प्लस Y की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, तो 100 प्लस कितना हो गया 100 प्लस जेड, तो जेड को इधर लाएंगे तो 2Z हो गया और 18 को इधर ले आएंगे तो वो इसमें से 100 में से जब 18 घटेगा तो कितना आपका बचा 82, तो 82 की वैल्यू 2Z के बराबर, तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई 41। क्लियर, तो जेड की वैल्यू 41 हो गई, तो यू की वैल्यू कितनी होगी इससे 6 कम मतलब कितनी हो गई 35, तो इन्हीं का औसत निकालना है, तो 41 और 35 कितना होगा आपका, 41 और 35 कितना हुआ 76, 76/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 38, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हमें ज़रूरत इस बात की नहीं है कि हम कितनी इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि वन डे एग्ज़ाम है आपका, तो जितना आप कम से कम उसे कर सकें वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको, आप 10वीं का पेपर है, आप जितना लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेन जो मतलब है आपका वो ऑप्शन से, कि आप कितना कम कैलकुलेशन करके आप
कितनी जल्दी फास्ट जो है वो चीज़ों को निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की कार्य क्षमताओं का जो अनुपात है वो 7:6, यानी कि इनकी जो कैपेसिटी है उसका जो अनुपात है वो कितना है, 7:6, यानी कि ए अगर 7 लड्डू बनाता है तो बी कितने बनाता है, 6 लड्डू बनाता है। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 21 दिन में करते हैं, यानी कि यहाँ से हमें टोटल वर्क पता चलेगा। तो एक साथ अगर काम करते हैं तो लड्डू कितने बनते हैं, एक दिन में 13 लड्डू बनते हैं, और कितने दिन लगते हैं इन्हें, 21 दिन, यानी कि टोटल जो काम है वो 21 × 13 का है। ठीक है, अकेले बी 26 दिन में उस कार्य का कितना भाग करेगा, तो 26 दिन में उस कार्य का कितना भाग करेगा, तो 21 × 13 टोटल वर्क है। बी से काम कराएंगे 26 दिन, तो 26 दिन में 6 लड्डू के हिसाब से टोटल कितने लड्डू बना देगा, 26 × 6, तो सॉल्व कर लो, 13 × 26 हुआ, आप 3 से काटेंगे 3 × 7 = 21 और 3 × 2 = 6, यानी कि 7/4। ठीक है, कितना हुआ, 7/4। ठीक है, 7/4 एक्चुअल में क्या है कि हमने जो टोटल वर्क है उसको ऊपर रख दिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि इसने काम कितना किया, तो टोटल अगर काम 7 है तो ये कितना कर पाया, 4, यानी कि काम का 4/7 भाग कर पाया। ठीक है, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मैंने इस चीज़ को ऊपर रख दिया, आप इस चीज़ को नीचे कर रखोगे, इसको ऊपर रखोगे तो आपका 4/7 आ जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग किस तरीके से करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि माना एक्स 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है, माना एक्स 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 16, 21, 24 और 28 प्रत्येक से विभाज्य एक्स के अंकों का योगफल क्या होगा। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 टाइप की होगी। ठीक है, अब 16, 21, 24, 28 प्रत्येक से विभाज्य होती है, यानी कि इनका एलसीएम निकाल लो। तो इनका एलसीएम क्या होगा, देखो मान लेते हैं कि इनका एलसीएम 16 है, जब हम 21 के पास गए तो 21 से पूरा मल्टीप्लाई करना होगा तभी ये संख्या 21 से कटेगी। फिर देखो 24 बनता है इसमें, नहीं बनता, 16 के पास 8 है, 21 के पास 3 है, यानी कि 8 × 3 = 24 भी बन गया। 28 बनता है इसमें, नहीं बनता है, देखो 7 × 28 = 28 बन गया, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया, 16 × 1 कितना हुआ, 16 × 1 = 16 हासिल लगा एक, और 16 × 1 = 16 हासिल लगा एक, और 16 × 2 = 32 और एक कितना हुआ, 33, यानी कि कितना हुआ, 336 इसका एलसीएम हुआ। तो तरीका क्या है, इसको हम 336 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसे इस संख्या में से घटा देंगे, वही संख्या ऐसी होगी जो 16, 21, 24 और 48 से विभाज्य होगी। तो जब हम इसे 336 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 225, तो 225 जब इसमें से हम घटाएंगे तो जो संख्या होगी वो 9744 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इनके अंकों का योगफल पूछा है, तो 4 × 4 = 8, 8 × 7 = 15, 15 × 9 कितना हुआ, 24, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि कमल अपनी आय का X% बचाता है जब उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि और मासिक उसकी, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि कमल अपनी मासिक आय का X% बचाती है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि कमल अपनी मासिक आय का X% बचाती है जब उसकी मासिक व्यय में 20% की वृद्धि और मासिक आय में 26% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो X का मान आपको निकालना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो मासिक आय का X% बचाती है, तो हमने मान लिया कि 100 रुपये महीने में कमाती है, तो अगर उसने X बचाया, X उसकी सेविंग है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा, 100 - X होगा। क्लियर, अब जो बोल रहा है वैसे करते जाओ, मैंने आपको तरीका बताया था कि इधर का इक्वेशन इधर के बराबर होगा। अब कह रहा है कि मासिक व्यय में 20% की वृद्धि होती है, यानी कि यहाँ पे 20% की वृद्धि हो रही है, मासिक आय में 26% की वृद्धि होती है, ठीक है, और बचत में 60% की वृद्धि होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इधर भी 100 है इधर भी 100 है, तो इक्वेशन बराबर कर लो, 26 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2600। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, परसेंट से परसेंट काट दो, यहाँ पे कितना हो गया, 60X, ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ, 60X, और ये आपका कितना है, 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2000 माइनस का 20X, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, 40X, और 2000 उधर जाएगा तो आपका ये कितना हो गया, 600। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 × 60, यानी कि X की वैल्यू कितनी आ गई, 15, तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे उसी टाइप का ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 3/4 खर्च कर देता है, ठीक है, 3/4 खर्च कर देता है, यानी कि 4 अगर कमाता है, 3 खर्च करता है तो 1 बचाता है। अब कह रहा है आय में 20% की वृद्धि हुई, खर्च में
40% की वृद्धि, तो बताओ इसमें कितनी कमी है, तो मान लेंगे x की, तो ये इक्वेशन इन दोनों के सम के बराबर होगा। बस उस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे तो वही आपका फंडा हमने यहाँ भी लगाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है, धारा की चाल 1/9 मीटर पर सेकंड है, उसके द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय जो है वो घंटे में आपको बताना है। तो शांत जल में नाव की जो चाल है वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल कितनी है, 9 × 10/9, इसे जब हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 × 18 और 5 × 10 यानी कितनी आ गई, 4 किलोमीटर पर आवर। धारा की विपरीत चाल क्या होगी, 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6। दूरी कितनी तय करनी है, 72, तो 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 12, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो सिंपल है क्वेश्चन आपका। अगला है, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और परास का माध्य क्या होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परास रेंज क्या होती है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम लोग रेंज कहते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर देख लो, जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है आपका, 60 है, सबसे जो छोटा नंबर है वो क्या है, 31 है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 29, यानी कि जो इसकी रेंज आ गई वो कितनी आ गई, 29। अब माध्यिका निकालनी है तो माध्यिका के लिए आरोही क्रम में रखना होता है और पद देखने होते हैं, कितने पद हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 पद हैं, यानी कि माध्यिका क्या होगी, 5वां पद और 6ठा पद / 2, तो 5वां पद अब ऐसे ही देख लो कौन सा होगा। देखो 31 पहला पद होगा, उसके बाद 31 के बाद आपका क्या आएगा, 31 के बाद आपका 36 आएगा, 36 दूसरा पद होगा, 36 के बाद आपका 38 यानी कि तीसरा पद, और 38 के बाद 40 चौथा पद, फिर 40 के बाद 42 आपका 5वां पद होगा, और 6ठा पद क्या होगा, 44/2, तो कितना हो जाएगा, 21 + 22 कितना हो गया आपका, 43, ये माध्यिका आ गई। अब इन दोनों का औसत निकालना है, तो 43 + 29/2, तो 9×3 कितना हुआ, 12, और 4×2 = 6 कितना हुआ, 7, तो 72/2 करें कितना हो जाएगा, 36, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, AB और CD के बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और BC और AD के बीच की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो अगर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे सिर्फ बना रहा हूँ, बाकी अगर ना इसे आप बनाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मली लगा सकते हो। देखो समांतर जो चतुर्भुज है उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, या तो वो आयत होगा या तो वो वर्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे AB और CD के बीच की दूरी, AB और CD के बीच की दूरी यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूरी की बात होगी तो हमेशा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यानी कि ये दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और दिया हुआ है BC और AD के बीच की दूरी कितनी है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 है, ठीक है। तो अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा, आधार और आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार इंटू ऊंचाई यानी कि BC और इंटू 30 करेंगे तो ये कितना है आपका, 300, ठीक है। तो इसका मतलब है एक भुजा कितनी आ गई आपकी, 10, यानी कि ये 10 हो गई तो ये वाली भी 10 होगी। दूसरी वाली से अगर निकालेंगे, देखो 20 इंटू आपका इधर आधार हम ले लेंगे AB, बराबर कितना होगा, 300, तो ये कितना होगा आपका, यहाँ से कितना जाएगा, 15, तो ये भी 15, ये भी 15, तो 15 × 30, 30 और 20 कितना हो गया, 50, ठीक है। आपको फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। आप नॉर्मली ये समझो कि यार दो बार परपेंडिकुलर दिया हुआ, यानी कि एक तरफ एक बार आधार निकालेंगे तो आमने सामने की भुजाएं एक वाली आ जाएंगी, दूसरी तरफ निकालेंगे आधार तो आमने सामने की भुजाएं आ जाएंगी, तो बस एक बार 20 से डिवाइड करो तो कितना आया, 15, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। एक बार 30 से मल्टीप्लाई करो तो 10 × 2, तो 15 × 2 कितना हुआ, 30, और 10 × 2 = 20, तो 30 और 20 कितना हो गया, 50, सिंपल है, ठीक है। बस आपको चीज़ें आनी चाहिए तब आप कर पाओगे ऐसा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है किसी राशि पर 8% वार्षिक की दर से 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 3960 है, उसी राशि पर 12% की दर से 6/2/3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। देखो यहाँ पे आपको मूलधन भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, जितना पहले साल ब्याज मिलेगा उतना हर साल ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पे आप इसे परसेंटेज से भी लगा सकते हो। देखो 8% की दर से 5 साल में ब्याज कितना मिल गया, 40%, तो 40% की जो वैल्यू है वो 3960 है, तो 12% की दर से 6/2/3 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 12 × 6 = 18 और 2 = 20/3,
तो तिचौक 12 यानी कि 80% ब्याज मिलेगा। तो 40% की वैल्यू अगर 3960 है तो 80% की वैल्यू कितनी होगी, इससे जस्ट डबल होगी यानी कि 7920। बस सिंपल है आपका। अगला क्वेश्चन ये बोर्ड मास का है, इसे आप सॉल्व कर लेना, सिंपली आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि व्हेन एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 55, 50, 23 and 22 द नंबर्स हु ऑब्टेंड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन, व्हाट इज द फोर प्रोपोर्शंस ऑफ 3, 7 and x। यानी कि यहाँ पे हिंदी में समझो कि 55, 20, 55, 50, 23, 22 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये संख्याएं जो हैं वो समानुपात में हो जाती हैं। तो आपको 3, 7, x का चौथा समानुपाती आपको निकालना है, चतुर्था अनुपाती निकालना है, आप ये समझो, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब हुआ चतुर्था अनुपाती, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आप ऑप्शन से कर सकते हो, नहीं तो आप एज्यूम कर लो। देखो अगर हम 15 इसमें से घटा दें तो ये कितना हुआ 40 और ये कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पे 5 8 40 और 5 7 35। 23 में से आपका 15 गया तो कितना बचा 8 और 23 में से 15 गया तो कितना बचा 7। देखो समानुपात में हो गई, यानी कि संख्या क्या है आपकी 15, तो संख्या में पता चल गई। तो 3, 7, 15 का चतुर्थानुपाती हमें निकालना। तो हमने मान लिया चतुर्थानुपाती जो है एक्स, चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है तो एक्स ना मान के हम पी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर चार संख्या समानुपात में, इसका मतलब है 3 का 7 से वही अनुपात होगा जो 15 का P से है, ठीक है। तो 3 5 15, 7 5 35 यानी कि जो चतुर्थानुपाती होगा वो कितना होगा 35। पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, डाटा वही है आपका, यहाँ पे हमने 1 डिग्री का मान कितना निकाला था 125/2। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे कि कंपनी द्वारा बेचे गए बी और डी उत्पादों की यूनिटों की कुल संख्या कितनी होगी। तो बी और डी का टोटल सम निकालना है। तो बी की वैल्यू कितनी है आपकी 28.8, डी की वैल्यू कितनी है 90। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 118.8 × 125/2। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 74.25। पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि कुछ फल 100 रुपये में 11 की दर से खरीदे गए और उनसे दुगने फल 100 रुपये में 8 की दर से खरीदे गए। यदि सभी फलों को 100 रुपये में 9 की दर से बेच दिया गया तो लाभ या हानि क्या होगी। देखो 100 रुपये में 11 की दर से फल खरीदे गए, फिर 100 रुपये में 8 की दर से उससे दुगने खरीदे गए फल, यानी कि इनका हमें अनुपात कितना करना है 1 और 2। तो आपको किसी भी अनुपात में चेंज करने के लिए पहले उसे 1:1 के रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले 11 और 8 को अगर 1:1 में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 11 से, तो टोटल ये समझो कि इसको 8×8 और इसको 11×2 = 22 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 800 रुपये में कितने संतरे खरीदे, जो भी खरीद रहे हैं संतरे या फल, तो 11×8 = 88 हो गया। यहाँ पे 11×2 = 22, 2200 में कितने खरीदे यहाँ पे 176, ठीक है। तो टोटल आपके कितने हो गए 8×6 = 14, 8×7 = 15 और 1×16 = 2, 264 कितने के खरीदे हमने 3000 के खरीदे, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया कि हमने 3000 रुपये के 264 फल खरीदे, ठीक है, और 100 रुपये में 9 की दर से बेचे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, या तो आप प्राइस बराबर कर लो या क्वांटिटी बराबर कर लो। तो हम प्राइस बराबर कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ 270 रुपये सीपी आ गया और एसपी कितना हुआ 264। तो हमें कितने का घाटा हुआ, हमें घाटा हुआ 6 का। तो 6 का घाटा हुआ 270 पे, तो 100 पे कितना होगा 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27, ठीक है। तो 20/9 यानी कि 9×2 = 18, 2 × 2 = 9% की क्या होगी हानि होगी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि 92 छात्रों वाली किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 12:11 है। किसी परीक्षा में लड़कियों का औसत स्कोर लड़कों से 33.1% अधिक है। यदि सभी छात्रों का औसत स्कोर कितना है 80 है, तो लड़कियों का औसत स्कोर कितना होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो टोटल 92 छात्र हैं, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है 12:11, यानी कि 12 और 11 कितना हुआ 23, 23×2 कितना हुआ 92, यानी कि 2×4 = 48 हो गए लड़के, बॉयज कितने हो गए 48 और लड़कियां कितनी हो गई 11×4 = 44 लड़कियां होंगे, ठीक है, हमने ये निकाल लिया। अब दिया हुआ है कि लड़कियों का औसत स्कोर लड़कों से 33.1% अधिक है, किससे
लड़कों से, तो 33 से 1/3% की वैल्यू होती है 1/3, यानी कि लड़कों का औसत अगर 3x है तो लड़कियों का उससे एक ज़्यादा यानी कितना है 4x। ठीक है, अब दिया हुआ है यहाँ पे कि टोटल सभी का जो औसत है वो कितना है 80, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, टोटल 92 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 80 आना चाहिए, तो वहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 48 तिया कितना हुआ 3×8=24 और 3×4=12 और 2 कितना हुआ 14, 144x प्लस 4×16 और 4×16 और 1 कितना हुआ 17, 176x बटे कितना होगा टोटल लोग कितने हैं 92, तो ये सभी का औसत आ गया, ये कितना है 80 के बराबर, तो इसे जोड़ लो भाई कितना हो जाएगा आपका 6×4=10 और 7×4=11 और 1 कितना हुआ 12 और 1 और 1 कितना हुआ 2, 2 और 1 कितना हुआ 3, तो 320x/92=80, तो 8×32 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 से काटेंगे तो कितना हुआ 4×2=8 और 4×3=12, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 23। ठीक है, x की वैल्यू 23, तो पूछ रहा है लड़कियों का औसत क्या है, तो लड़कियों का औसत 4x है, तो 23×2 कितना हुआ 92, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं, अकेले सी शेष कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, एक साथ बी और सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए और बी, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी 20 दिन में, तो इसका एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा आपका 60, तो 12×5=60 और 20×3=60, एक साथ 4 दिन तक काम किया तो एक दिन में कितने लड्डू बने 8, 4 दिन में कितने बने 8×32। ठीक है, तो कितना काम बचा आपका 60 में से 32 चला गया, तो आपका कितना बचा यहाँ पे 28, तो 28 लड्डू जो हैं वो सी ने कितने दिन में बनाया 14 दिन में, तो 14×2=28 यानी कि सी का हमें पता चल गया कि सी एक दिन में 2 लड्डू बनाता है। अब कह रहा है एक साथ बी और सी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो बी और सी अगर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में लड्डू कितने बनेंगे 5, टोटल बनाने कितने हैं 60, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 12, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे हमने जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व किया था उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन थे, देखो पैटर्न वही है बस डिजिट चेंज है, तो इसीलिए मेरा आप सभी से कहना है कि जब भी पेपर होते हैं तो उन पेपर को बहुत अच्छे तरीके से आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि पैटर्न लगभग सेम रहता है आपका। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्याएँ 41x 5x और 44 का औसत कितना है 57 है, तो x+5 और 2x-9 का औसत कितना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 संख्याएं हैं तो 4 संख्याओं का औसत कितना है 57, तो योग कितना होगा 57×4 यानी कि 4×7=28 और 4×5=20 और 2 कितना हुआ 22, इन्हें जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 41 और 44 कितना हुआ 85 और x5+5x। ठीक है, इसको उधर लेके जाएंगे तो x5+5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 में से 5 गया तो 3 और 12 से 8 गया तो कितना बचा 4 और 1 143। अब देखो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 कब आएगा आपका, 3 कब आएगा जब यहाँ पे 8 हो, तो 8×5 हम 8 रख के देखते हैं तो 8×5 कितना हुआ 13, 8 रखने का मतलब क्या हुआ 85 और 58, जोड़ लो 143 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो 8×5=13 और 1 कितना हुआ 14, यानी कि 143 आ रहा है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 8, x की वैल्यू कितनी हो गई 8। अब हमें क्या निकालना है x+5 यानी कि 8×5 कितना हुआ 13 और 2x-9 तो 8×2=16 में से 9 गया तो कितना बचा 7, इनका औसत तो 13×7=20/2 यानी कितना हो जाएगा आपका 10, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि कोई रेलगाड़ी निश्चित चाल से 108 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि उसकी चाल 18 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि हो तो उसे समान दूरी तय करने में 18 मिनट कम समय लगता है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखो ये सिंपल आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है आपका रेलगाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हमेशा याद रखो कि अगर दूरी निश्चित होती है, ठीक है, दूरी अगर निश्चित है तो अगर उनकी टाइम का योग दिया हो तो वो दूरी कैसे निकालते हैं, x/y x+y × t से निकालते हैं, जहाँ पे t क्या है आपका
यहाँ पे टी क्या है आपका टोटल टाइम, ठीक है, और अगर टाइम के बीच का डिफरेंस दिया हो तो ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक्स वाई बटे एक्स अंतर वाई, अंतर का मतलब है जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाएंगे, और यहाँ पे टाइम का डिफरेंस, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है उसी से दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो 108 की जो वैल्यू है हम मान लेते हैं 18 की वृद्धि की गई, तो पहले चाल थी x, फिर कितनी होगी x प्लस 18, ठीक है, डिफरेंस इनका कितना होगा 18, टाइम कितना लगता है 18 मिनट, तो मिनट को यहाँ पे चुकी है किलोमीटर में, तो यहाँ पे घंटे में आना चाहिए, तो इसे हम घंटे में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, तो 18 से 18 कैंसिल हो गया। अब बस आपको सिंपली x इंटू एक्स प्लस 18 की वैल्यू कितनी हो गई 60 × 108, बस इसी में आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसे थोड़ा सा इसका मतलब आपको सिस्टमेटिक बनाना होगा। देखो 12 नमा कितना होता है 108, ठीक है, और यहाँ पे 12 पंचे कितना होता है 60, ठीक है। अब बस आप क्या करो, अगर यहाँ पे चूंकि यहाँ पे ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए और इतना ही आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 18 हो, ठीक है, तो x इंटू एक्स प्लस 18 की जगह पे आपका यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, 12 को हम लोग 6 × 2 लिख सकते हैं, या यहाँ पे 6 × 18 हो जाएगा, तो 72, ठीक है, और 18 × 5 = 90, ठीक है, डिफरेंस कितना होना चाहिए 18 का होना चाहिए, तो 72 × 90 करेंगे, यहाँ से बनना है, और 72 और 90 के बीच में डिफरेंस कितना है 18 का है, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 72 होगी। आप चाहो तो वहाँ पे इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि द्विघात समीकरण बनेगा और वहाँ से x की वैल्यू निकालो, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है, आप इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो नॉर्मली इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये जो डाटा है वो सेम है, बस यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इफ़ द टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इन 2020 इज 20% मोर देन दैट ऑफ 2019 एंड द सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट रिमेन द सेम, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ई एंड डी सोल्ड इन 2020। तो यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे बोल रहा है कि 2020 में जो प्रोडक्शन हुआ है वो 2019 से 20% अधिक है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 2020 में 20% ज़्यादा है, ठीक है, और बाकी जितने भी ये डिस्ट्रीब्यूशन है ए बी सी डी के बीच में वो सेम है, ठीक है। तो आपको बताना है, डिफरेंस बताना है किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ई एंड डी सोल्ड इन 2020, यानी कि ई और डी के बीच का डिफरेंस आपको बताना है। तो ई कितना है आपका 165.6 और डी कितना है 90, तो इनके डिफरेंस कितना है 75.6, क्लियर। अब देखो वहाँ पे एक डिग्री की वैल्यू जो थी वो कितनी आई थी 125/2, और अगर इसमें हम 20% की वृद्धि कर देंगे तो 120/100, तो इसकी वैल्यू निकाल लो, तो 25 से काटेंगे 25 × 125 = 25, 25 × 100 4 × 3 कितना हुआ 12, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 15 × 5 = 75, यानी कि एक डिग्री की वैल्यू 75 आए, तो 75.6 को 75 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7670 होगा, बस यही क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है आपकी, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि कोई राशि 2 वर्ष में बढ़कर 11,616 और 3 वर्ष में बढ़कर 12,770.60 हो जाती है, जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर होती है तो राशि क्या होगी। देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर हम रेट निकाल लें तो हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो मान लेते हैं ₹P की धनराशि थी, वो 2 साल में कितनी हो गई 11,616 हो गए, ठीक है, फिर 3 साल में यानी कि यहाँ से 3 साल, तो इसका मतलब है यहाँ से 3 साल, इसका मतलब अगले 1 साल में कितनी हो गई 12,777.60, ठीक है। अब रेट क्या होती, रेट तो वही रहेगी, देखो ब्याज पे ब्याज ही तो क्या होता है, रेट होती है, जो रेट होगी वही तो ब्याज पे ब्याज मिलेगा, तो बस यहाँ पे देखो आपको 1 साल का डिफरेंस पता है कि 1 साल में ब्याज पे ब्याज कितना मिल रहा है, इसका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा 1161.6, यानी कि इतने का ब्याज मिला, तो वो ब्याज जो मिला होगा वो इसी पे मिला होगा, क्योंकि इस अगले साल के लिए ये वाला जो अमाउंट है वो मूलधन का काम करेगा, तो ये इसका 10% है, यानी कि रेट कितनी हो गई 10%, क्लियर।
तो रेट अगर 10% हो गई तो 2 साल में ये धनराशि कितनी हो रही है, 11,616, यानी कि 10 से अगर 11 हुई 1 साल में तो दूसरे साल में फिर 10 से 11, यानी कि इनका जो अनुपात है वो 100:121 है। ठीक है, तो 121 की वैल्यू कितनी है, 11,616, यानी कितने बार आपका जाएगा ये, 96 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 96 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9600। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि किसी पुस्तकालय में गणित की पुस्तकें और भौतिक की पुस्तकों की संख्या का अनुपात भौतिक की पुस्तकें और रसायन की पुस्तकों की संख्या के अनुपात के बराबर है। यदि गणित की पुस्तकों की संख्या 144 और रसायन की पुस्तकों की संख्या 100 है तो गणित और भौतिकी की पुस्तकों की कुल संख्या और रसायन और भौतिकी की पुस्तकों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो मैथ्स और फिजिक्स का अनुपात वही है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का है। ठीक है, अब मैथ की बुक कितनी है, 144, फिजिक्स की पता नहीं। ठीक है, और यहाँ पे रसायन, फिजिक्स की पता नहीं, रसायन की कितनी है, 100। तो पी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 144 × 100, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120, यानी कि फिजिक्स की जो बुक है वो कितनी हो गई, 120। ठीक है, अब कह रहा है गणित और भौतिकी, तो गणित की बुकें कितनी हैं, गणित की 144 और फिजिक्स की कितनी है, 120, तो 144 और 120 कितना हुआ, 264। फिर कह रहा है कि गणित और भौतिकी की पुस्तकों की कुल संख्या रसायन और भौतिकी, रसायन की कितनी है, 100 और भौतिकी कितनी, 120, यानी कि ये कितना हो गया, 220। 11 से काट लेंगे, 22 से ही काट लो, 22 × 21 22 × 44, और यहाँ पे तो 2 से काटेंगे, 2 × 12 2 × 5 10, यानी कि 6:5 होगा। ठीक है, अगला और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपये है, बिक्री के दौरान इस वस्तु पर X% और 15% की दो क्रमागत छूटें दी जाती है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2448 है तो X का मान कितना होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3600 रुपये की चीज़ है, पहले X% का डिस्काउंट दिया गया यानी कि 100 − X/100 और फिर 15% का यानी कि 85/100 और इसकी वैल्यू कितनी है, 2448। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे इसे भाई, 20 से 20 आपके कैंसिल हो गए, यहाँ पे 5 से काटेंगे 17, यहाँ पे कितना हुआ, 20, और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 18। तो इसे मल्टीप्लाई कर लो आप, इस 0 को इधर भेज देंगे तो ये कितना हो गया आपका, 24,480 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 18 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 × 8 कितना होता है, 136 हासिल लगा, 13 और 17 × 17 और 13 कितना हो गया आपका, 30, यानी कि 306 और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और −306X = इतना, इसको इधर भेजेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 306X की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इसमें से जब इसे हम घटाएंगे, देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे, सिंपली कैलकुलेशन करना है, 20% आपका आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली ये क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, बस इसमें कैलकुलेशन करना है आपको और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा होगा तो जो भी बातें मैंने आपके बीच में रखी वो आप कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो हम लोग ये जो सीरीज़ है वो अल्टरनेट बेसिस पे करेंगे, एक दिन MTS का पेपर सॉल्व करेंगे, एक दिन CHSL का सॉल्व करेंगे और उसके बाद CGL की सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट कर देंगे और टॉपिक वाइज भी मैं आपको सारे चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो कहने का मतलब ये है कि कम्प्लीट मैथ्स की जिम्मेदारी पूरी मेरी है। ठीक है, और क्लासेस आपकी बहुत जल्द बहुत अलग अंदाज में होने वाली हैं, तो बहुत कुछ आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।